नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। फोटो से अचूक वशीकरण किया जा सकता है। आज गुरु माँ सरो देवी जी इसी विषय के ऊपर आपके लिए ये खास उपाय लेकर आए हैं, जिसको एक बार करने की ज़रूरत होगी और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आप जिस भी व्यक्ति को वश में लेना चाहते हैं, वो व्यक्ति आपके वश में आएगा और कभी भी आपके इस वशीकरण से अपने आप को दूर नहीं कर पाएगा। आप किसी से प्यार करते हैं, पर ये प्यार एक तरफा बनता जा रहा है। आप जिस भी लड़के या लड़की से प्यार करते हैं, वो आपकी तरफ देखते भी नहीं हैं, आपसे दूर रहने की कोशिश करते हैं। आप उनको वश में करके उनका प्यार हासिल कर सकते हैं। ये उपाय उन लोगों के लिए भी कार्य कर सकता है जो अपने दुश्मनों से बदला लेना चाहते हैं, या फिर अपने जीवन में प्रमोशन हासिल करना चाहते हैं, पैसा हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये उपाय कार्य कर सकता है। दोस्तों, ये वशीकरण बहुत ही अचूक वशीकरण है और बहुत ही पावरफुल वशीकरण है। इस वशीकरण को करने के लिए आपने गुरु माँ सरोज देवी जी के बताए गए हुए पूरी विधि के साथ ही इस उपाय को करना है। तो आइए जानते हैं इसकी पूर्ण विधि के बारे में, जिसके जरिए आप किसी को भी वश में कर सकते हैं। आपने जिस व्यक्ति को वश में करना है, उसकी फ़ोटो का इस्तेमाल करना है। ये फ़ोटो हार्ड कॉपी में भी हो सकती है, या फिर आप अपने फ़ोन के अंदर भी इस फ़ोटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने क्या करना है, इस फोटो को बिल्कुल अपने सामने रखना है और सिंहासन के ऊपर बैठकर आपने 3 मोमबत्तियां जला लेनी हैं। ये 3 मोमबत्तियां इस फोटो के इर्द गिर्द आपने रख देनी है। रखने के बाद आपने उस फोटो की तरफ देखते हुए एक मंत्र का जाप करना है और उस फोटो की तरफ देखते हुए आपने आदेश देना है कि जो भी व्यक्ति आपके जीवन से दूर जाने की कोशिश कर रहा है, वो आपके वश में आए और आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाए। आप उस फोटो को देखकर उस व्यक्ति का प्यार हासिल करने के लिए भी उसको आदेश दे सकते हैं। इसके बाद आपने इस फोटो को अपने तकिए के नीचे रखना है और सो जाना है। अगले दिन उठकर आपने इस फोटो को ज़रूर देखना है। बस इतना सा उपाय करने की देर होगी कि वो व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए आपके वश में आ जाएगा। वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, वो खुद ब खुद आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाएगा। और आपके लिए ये उपाय करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है जब आपकी शादी नहीं हो पा रही है। आप अपने लाइफ पार्टनर को भी इस वशीकरण के माध्यम से आकर्षित कर सकते हैं। दोस्तों, ये उपाय आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। इस उपाय से जुड़ी हुई कुछ सावधानियां भी हैं, जिसको आपने विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। अगर आप इन सावधानियों के बारे में जानना चाहते हैं, इसके अंदर यूज होने वाले मंत्र के बारे में जानना चाहते हैं, तो बिना देर करते हुए स्क्रीन पर दिए गए हुए नंबर पर कॉल करके आप गुरु माँ सरो देवी जी से संपर्क कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।